उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट के नतीजों पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कांग्रेस का दावा है कि हरीश रावत के पक्ष में 33 वोट पड़े जबकि बीजेपी के पक्ष में 28 वोट। उत्तराखंड में हरीश रावत का बहुमत परीक्षण पूरा हो गया जिसमें कांग्रेस के पक्ष में 33 बीजेपी के पक्ष में 28 वोट पड़े। प्रोटेस्ट के बाद बोले हरीश रावत, मैं सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकत उत्तराखंड की जनता का आभार जताता हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय को, माननीय स्पीकर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कल के दिन की सारे उत्तराखंड और देश के साथ हम भी उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट निष्कर्षों को, मतदान के निष्कर्षों को घोषित करेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जिन विधायकों ने पैसा लेकर वोट दिया उनकी सीबीआई को जांच करनी चाहिए। भले ही हरीश रावत सरकार कुछ दिनों के लिए बच जाए लेकिन भ्रष्टाचार से नहीं बच सकती। तो निवेदन रहेगा सीबीआई से, उनको एक एक विधायक के बारे में ठीक तरीके से तस्दीक करना चाहिए कि जो फ्लोर टेस्ट में पैसा लेके आए, जिन्होंने लोकतंत्र को कलंकित किया है, यद्यपि कुछ समय के लिए सरकार बच जाएगी लेकिन वो भ्रष्टाचार से नहीं बच सकते हैं। प्रोटेस्ट के बाद बोले बीजेपी विधायक गणेश जोशी, बीजेपी सैद्धांतिक रूप से विजयी हुई है पर आंकड़ों के खेल में हम हार गए। कांग्रेस ने धनबल का इस्तेमाल किया, वहीं आंकड़ों के खेल में सदन के अंदर पीछे रह गए। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से आज विजयी हुई है लेकिन आंकड़ों के खेल में, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने धनबल का प्रयोग किया और एक स्ट्रिंग के माध्यम से पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा कि 12 लोगों को पैसे देकर मतदान के लिए प्रलोभित किया गया। कांग्रेस विधायक विजयपाल सजवाण ने कहा कि हमारे डीएसपी और पीडीएफ ने हमारे पक्ष में वोटिंग की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब जो भी सरकार बनेगी वो राज्य में विकास के कार्य पर चलेगी। हमारे कांग्रेस के सारे विधायक, पीडीएफ के साथी, बहुजन पार्टी के सभी साथी हमारे साथ है और बहुमत हमने विधानसभा के अंदर वो कर दिया और निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी अगला कार्य सरकार बनेगी और हम विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि हम पहले भी बहुमत में ही थे और सदन में बहुमत में रहे हैं जिसके चलते हमें बड़े अंतर से बहुमत मिला। जीत हुई है और हम पहले भी बहुमत में थे, आज भी बहुमत में हैं और सदन में भी हम बहुमत में रहे। हमने पहले भी बोला था, महामहिम राज्यपाल जी ने पहले बोल दिया था कि 28 तारीख को बहुमत साबित होना चाहिए, तो वो मौका मिला है आज और बहुत बढ़िया रहा, बड़ी बड़े अंतर से हम लोग जो है। भगवान बद्री विशाल के कपाट ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 पर खुले। मुख्य पुजारी ने कृत कंबल में लिप्त भगवान की मूर्ति की पूजा अर्चना की। चल विग्रह डोलियों को भी भगवान बद्री विशाल के साथ विराजमान किया गया। उत्तरकाशी में पिघल रहे ग्लेशियरों के चलते भगीरथी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं भगीरथी पर बनाए गए वैकल्पिक पुल डिडसारी और नलूड़ा के साथ ही जोशियाड़ा में बना वैकल्पिक पुल पानी में समा गया है। बाढ़ सुरक्षा कार्य भी प्रभावित हुए। हरिद्वार में हर की पैड़ी गंगा में स्नान कर रहे 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई जबकि एक बुरी तरीके से घायल हो गया है। जहां पुलिस मौत की वजह गंगा में डूबना बता रही तो वहीं घायल करंट लगने की बात कह रहा है, जिसके बाद डीएम एसएसपी ने पूरे मामले पर प्रशासनिक जांच बिठा दी है और मृतकों के परिजनों को 1,00,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। कोटद्वार से चुंडई जा रही टाटा सुमो की भिड़ंत रोडवेज से हो गई। हादसे में सुमो में सवार 5 लोग घायल हो गए, घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। कोटद्वार पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब बाइक सवार 2 युवकों को रोका तो उनमें से एक तो भाग निकला लेकिन दूसरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में उसने बताया कि नवंबर महीने में उसने बाइक चोरी की थी। उधम सिंह नगर में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण कार्य में घटिया सामग्री प्रयोग करने का मामला सामने आया है। समाचार प्लस के मामला उठाने पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने मामले का संज्ञान लिया। बागेश्वर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर कांडा मंतोली मोटर मार्ग बदहाल पड़ा है। प्राइवेट कंपनियों की मनमानी के चलते धीमी गति से कार्य हो रहे हैं, गुणवत्ता से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। विकासनगर में पछवादून क्षेत्र के अंतर्गत तमाम शिक्षण संस्थानों समेत गांव देहात में बढ़ी है नशाखोरी और इस पर एसएसपी सदानंद दाते ने चिंता जताई है। बोले, पहले भी इस दिशा में बड़ी कार्रवाई की गई है, आगे भी कार्रवाई के साथ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
बागेश्वर गरुड़ के टेलीहाट और सैलीहाट गांव के बीच से गुजरने वाली गोमती नदी में अवैध खनन हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं खनन माफिया रात में नदी से अवैध खनन कर रहे हैं। प्रशासन जानकर भी अनजान बना है।